दाल हलवा। ये हलवा घर पर बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है, आप लोग जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मूंग दाल हलवा बनाना शुरू करते हैं। ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने दाल को 3 घंटे के लिए भिगो दिया था, उसके बाद मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। अब इसे हम भून लेंगे। भूनने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 कप घी डाल दिया है, इसमें दाल डाल देंगे। दाल को भूनते समय गैस को बिल्कुल धीमा रखना है जिससे दाल अच्छे से भुन जाए। दाल को भूनते समय अगर आप लोगों को घी कम लगे तो घी और बढ़ा सकते हैं। दाल को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू नहीं आने लगती और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। दाल को मैंने लगातार चलाते हुए भून लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। गैस को बहुत ही धीमा रखना है जिससे दाल अच्छे से फूल जाए। ये देखिए दाल अच्छे से फूलने लगी है। 1 कप मैंने दाल ली थी, 1 कप मैंने दूध डाला है, 1 कप चीनी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। दूध में भींगी हुई केसर डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए बनाएंगे। चीनी डालने के बाद हलवा थोड़ा सा गीला हो गया है, इसे हम थोड़ी देर कुक करेंगे। हलवा को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से घी नहीं छूटने लगता। ये देखिए हलवा बनकर तैयार है। अब इसमें कुटी हुई इलायची डाल देंगे, कटा हुआ बादाम डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए शादियों में और त्योहारों पर बनने वाला स्पेशल मूंग दाल हलवा बनकर तैयार है। इसे आप लोग इन आने वाले त्योहारों पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हैप्पी दिवाली।